हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टेप इन्वॉल्व्ड इन मशीन डिज़ाइन। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं। इन स्टेप्स के बारे में ही हम जानेंगे कि किसी भी मशीन को डिज़ाइन करते टाइम हम किन किन स्टेप्स को लेकर चलते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नीड और हम इसे एम भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मशीन डिज़ाइन में या मशीन के कोई पार्ट के डिज़ाइन में उसका एम डिसाइड करते हैं कि हमें वो जो भी पार्ट हम बना रहे हैं उसका एम क्या है, हमें वो किस चीज़ के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें उसकी नीड पड़ी है। तो सबसे पहले हमें इसका एम या नीड डिसाइड करनी होती है। देन मैकेनिज़्म, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पार्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करना होगा, यानी कि उस पर कौन कौन से मोशंस होंगे, कौन से फोर्सेस लगेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक मैकेनिज़्म डिसाइड करना होता है जिससे हम उस पार्ट को बना सकें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। अब हम ये देखेंगे कि उस पार्ट पे कितने फोर्सेस लगेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे, यानी कि कैसे और कितने फोर्सेस उस पार्ट पे लगेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने उस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल सिलेक्शन। ये एक अलग से पॉइंट समझाया गया था आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी मशीन डिज़ाइन में या मशीन के पार्ट के डिज़ाइन में। नेक्स्ट है साइज एंड स्ट्रेसेस। मटेरियल सिलेक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि हमें उस पर कैसा साइज़ बनाना होगा कि उस पर स्ट्रेसेस कम से कम जनरेट हों, स्ट्रेसेस कम हो, डिफॉर्मेशन कम हो, ये सब हमें बेसिक नीड लेकर चलनी होती हैं। तो हम मटेरियल सिलेक्शन के बाद ये देखते हैं कि हमें ऐसा कौन सा साइज़ बनाना होगा जिससे उसमें स्ट्रेसेस कम से कम जनरेट हों। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन। जैसे कि हम अपने इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन की काफ़ी सारी वीडियोस जब हमने देखी थी तो उसमें ये देखा था कि हमें स्टैंडर्ड चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, यानी कि अगर हमें कोई पार्ट बनाना है और उसका ऑलरेडी पैटर्न एग्जिस्ट करता है तो हम उस पैटर्न को यूज़ करें। इसमें हमने बियरिंग और गियर के एग्जाम्पल्स भी लिए थे। तो यहाँ मॉडिफिकेशन इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर हमें जो पार्ट बनाना है उसका साइज़ बड़ा या छोटा है तो हम उसे मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग, या जो हमसे वो मटेरियल बनवा रहा है यानी कि जो हमें प्रोडक्ट बनवाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे शेप और साइज़ दे सकें, तो इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इससे आगे भी पॉइंट्स हैं बट एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आती है नीड, देन मैकेनिज्म यानी कि हमें मैकेनिज्म यूज़ करके चलना होगा, एनालिसिस ऑफ फोर्स कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट मटेरियल सिलेक्शन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी मशीन या मशीन के पार्ट के डिज़ाइन में। नेक्स्ट साइज एंड स्ट्रेसेस, उन पे कौन से स्ट्रेसेस लग रहे हैं और उन स्ट्रेसेस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसका साइज़ और शेप डिसाइड किया जाए। देन आता है मॉडिफिकेशन कि जो ऑलरेडी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं हम, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनका साइज़ चेंज करने के लिए या उनकी ब्रेथ या हाइट या कुछ भी चेंज करने के लिए जब हम उस पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राइंग डिटेल। जो हमने ऑलरेडी पॉइंट पढ़ लिए हैं उन सबको हम एक लिस्ट बनाकर अब हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं बनाना। इसको हमने मशीन डिज़ाइन जब पढ़ा था उसमें देखा था कि एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कैड है, उस कैड की हेल्प से हम कंप्यूटर पे ही ड्राइंग बना लेते हैं। तो यहाँ अब हम ड्राइंग डिटेल लेते हैं, यानी कि ड्राइंग में उस पार्ट की सारी डिटेल्स भर के उस ड्राइंग को तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है असेंबली। उस ड्राइंग में ही यानी कि कैड की हेल्प से ही हम उस पूरी मशीन को जिसे हम बना रहे हैं उसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरी मशीन बनकर तैयार हो जाती है ड्राइंग में। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है कि जो मशीन हमने बनाई है या जो पार्ट हम बना रहे हैं उसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है इंस्टॉल, यानी कि हम उस मशीन को इजीली इंस्टॉल कर सकें, ऐसा ना हो कि उसे इंस्टॉल करने में बहुत हार्ड हो रहा है या फिर उसे यूज़ करना बहुत हार्ड है, तो हमें ये सब चीज़ें भी मान के चलनी होती हैं। इसीलिए इन स्टेप्स में हमारे ये पॉइंट भी आ जाता है इंस्टॉल। देन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी चीज़ को लेकर, और जहाँ हम मशीन की बात कर रहे हैं वहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मशीन के लिए। अगर मशीन को ठीक से मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगी, और अगर हमें उस मशीन से अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा वर्क चाहिए, तो हमें उसका मेंटेनेंस देखकर चलना होगा। तो यहाँ इस स्टेप में हम मेंटेनेंस को भी लेकर चलते हैं। देन हमें मिलता है फाइनल। फाइनल से मींस है कि हमने जो ड्राइंग बनाई है उस ड्राइंग पे इन सब पॉइंट को कंसीडर करके हम एक फाइनल ड्राइंग बना लेते हैं, और इस फाइनल ड्राइंग को हम अपने उपभोक्ता के सामने रख देते हैं, और वो डिसाइड करता है कि जैसा उसे मशीन का पार्ट या मशीन चाहिए वैसी वो ड्राइंग बनी है या नहीं। अगर वो ड्राइंग उस उपभोक्ता को सेटिस्फाई कर सकता है तभी आप उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप ड्राइंग में माइनर से चेंजेस करके उसके अकॉर्डिंग उस मशीन को बना सकते हैं। कैड की हेल्प से आपका टाइम भी बचता है और मटेरियल भी वेस्ट नहीं होता, इसीलिए हम ड्राइंग डिटेल में कैड को ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो हमें मशीन डिज़ाइन में लेकर चलने होते हैं। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।